मम्मी पापा ले रहे हैं प्रसाद। ये है चढ़ावा जो भगवान जी को चढ़ता है। तो ये है कार्तिक स्वामी मंदिर की एंट्री गेट और हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं मंदिर के लिए। तो मंदिर के लिए रास्ता कुछ ऐसा है गाइज, और यहाँ से होती है आपकी चढ़ाई स्टार्ट ऊपर के लिए। टॉप में है मंदिर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और स्वागत है आपका एक बार फिर से एक प्यारे से नए ब्लॉग में। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी, और बहुत टाइम से हमने प्लान किया था कि हम विद पूरी फैमिली कार्तिक स्वामी जाएंगे, तो आखिर आज वो दिन आ गया है। ये है मेरा गोलू, ये पता नहीं कौन है दूसरा वाला, क्या वो कुली कुली हमारे साथ कुली। हाँ, वो कुली है, कुली रख रखा ना। और ये है मंदिर जाने के लिए रास्ता। अब धीरे धीरे यहाँ पे चढ़ाई स्टार्ट होगी जाने के लिए। 3 किलोमीटर ऊपर से, हाँ 2 या 3 किलोमीटर नीचे बता रहे थे, इतना हमें पैदल जाना ऊपर। तो चलते रहिए और बने हमारे साथ। और हमारा कुली देखो कितना उत्साही है। हमारा कुली जल्दी जाना चाहता है। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और पूरे मंदिर तक देखना है। गाइस, जैसे मैं बोलना स्टार्ट करती हूं, इसने छींक दिया। इसे खुशी नहीं हो रही है किसी। दीदी तो हाईलाइट हो रही है, बता। तो गाइज, आज हम आए हैं कार्तिक स्वामी मंदिर, और बहुत टाइम से हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ आएँ। तो दीदी और जे जी आए थे, तो हम सब घूमने हमने प्लानिंग करा कि हम आएँ। ये देखो हुजूर देवंग लड़का, कैप इज इम्पोर्टेंट, कैप इज इम्पोर्टेंट, दीदी को दे दो, कैप इज इम्पोर्टेंट। और वो है मेन रोड, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रोकी है। और गाइज, जिसका डर था वो हो चुका है। स्वाति दीदी के चप्पल टूट चुके हैं इस ऊँचाई में शुरुआत होते ही, और वो नंगे पैर जा रही है। कोई नहीं, उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि मैं जब भी किसी भी ट्रैक पे जाऊँ तो मैं जूते पहन के जाऊँ ना, कि दिखाना चप्पल दिखाना कैसे है, दिखा। हाँ, ये चप्पल ले जा रही हो इस वाले रूट के लिए, इस रूट के लिए। और गाइस, ये बहुत ही अच्छा जर्नी होने वाली है हमारी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है। डांस करे गया। तो गाइस, सब लगे हैं चढ़ाई चढ़ने पे। मिन्नू के साड़ी में कैसे हालत हो गई बेचारी की, इसको ठीक तो कर। अगर आप कार्तिक स्वामी आओ तो तब तो आप साड़ी पहन के तो ना आए, अरे पक्की चप्पल ना आए, क्योंकि आपकी यूट्यूबर की चप्पल टूट चुकी है। पर मेरे जिया जी ने एक जुगाड़ करके वापस जोड़ दिया। जुगाड़ आपको नहीं दिखाया जाएगा, आप लोग हंसोगे, है ना। अपने साथ पानी जरूर लाए दोस्तों, बिना पानी के काम नहीं चलेगा। पानी थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए, खाने पीने के लिए जरूर लेके आए। और आप इस सुनसान रास्ते में पंछियों की बहुत सारे अलग अलग जो वो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उन सब की आवाज़ सुन सकते हैं। ए चिल्लाते नहीं हैं। या मम्मी साथ में, ये देखो बुरास, यहाँ देखो, यहाँ गोलू रहता है, इसकी गुफा है अंदर। गाइस, वो ऊपर देखेंगे आप, वो वहाँ हमको वो दूर जाना है। इधर देखा जरा पूरा, ये देखिए हम इस पहाड़ के मतलब दूसरे पहाड़ में जाना, हमने अभी अभी हमें दूसरे पहाड़ में पैदल चल के जाना है, और हम इस साइड है।
पर एक चीज मुझे अच्छी लग रही है, खूब सारे बुरांस है। चलते हैं ना, चलिए गोलू चलिए। तो गाइज यहाँ हाइट से कुछ ऐसा व्यू है नीचे का, और ये पूरा जंगल बांस बुरांस इन सब से भरा हुआ है। ये देखिए मेरे जस्ट सामने पेड़ में बुरांस लगे हैं। तो अपने छोटे भाई बहनों से बना के रखें, आपको इस तरीके से सहारा लेके चलने में मदद करेंगे। बेबी घर में जाकर पैसे लेने वाला मैं इससे। नो बेबी नो, ऐसे ऐसे देखे मेरा सहारा ले रखा पूरा, मुझे भी नहीं चलने दे रही, खुद भी नहीं चल रही। बेबी दीदी की चप्पल टूट गई ना, इतनी खड़ी ऊंचाई में। आपने भी तो ले रखा दीदी का सहारा, तुम्हें तो शर्ट में खींचवा बाहर। बेबी सारे सारे पहुंच जाएंगे। गुटका नहीं खा रहा, सांप रखे हूँ मटी के, कुछ भी सोचते यार। तो कुछ नहीं सोचे, तू अपना भी सोचे जा रहा, सोचे जा रहा। मुझे पता है ना क्या सोच सकते हो क्या नहीं सोच सकते। गाइस आपको पता है यहाँ ऐसा रास्ता है पत्थर, ऊपर ऊपर उठ के आ रखे, उभर के पत्थर उभर के मतलब जमीन में नहीं है, जमीन से थोड़े उभरे हुए हैं। उन पत्थरों के ऊपर ना घास पड़ी हुई है, पत्ते हैं, पत्ते पड़े हुए हैं, फिर पत्थर नहीं चल रहा कहाँ पे क्या है, तो मतलब स्लिप होने का बहुत डर है। हाँ आप अगर आए तो जूते लेके आए, ठीक है, मेरी तरह सैंडल लेके ना आए। लेकिन जैसे चलना स्टार्ट किया लड़क गई, जैसे ही मैंने रास्ते में पैर रखा ना मेन एंट्री से चलो गया बाबा। हाँ कार्तिक स्वामी चाहते थे कि मेरी भक्त स्वाति नंगे पैर तक मेरे धाम आए, इसलिए शुरू में इसके चप्पल तोड़ दी। तो मैं आई ना बीच बीच में जा रही हूँ वैसे, पर लेकिन ये बाबा को कोई चकमा दे गई, ये सिर्फ टिफिन लेके आई, टिफिन लगा के ना जी मैं तो चप्पल में ही चलूंगी। नहीं बीच बीच में मैं वो भी चुभ रही है ना मुझे, घोड़े में भी आ रहे लोग, कई लोग घोड़े में जा रहे हैं, कुत्ते जा रहे हैं साइड से चल। अरे गोलू ये तो कुछ भी नहीं है दीदी, तो केदारनाथ पैदल गई थी और चलना। हाँ पर गाइस एक चीज़ है कि अगर आप उत्तराखंड में आते हो ऐसे ट्रैक्स में जाते ना पैदल चलो, घोड़े घोड़े में जाओ, मजा ही नहीं है घोड़े में। जब तक चप्पलें नहीं टूटेंगी तब तक तीन चार बार गिर, जब तक चप्पलें नहीं टूटेंगी तीन चार बार गिरोगे नहीं, पैर नहीं फिसलेंगे, पैर नहीं मुड़ेंगे, टैनिंग नहीं होगी उत्तराखंड में, टैनिंग नहीं होगी तो तब मजे कैसे आएंगे। बेबी जब तक ऐसे कपड़े नहीं फंसेंगे पैरों में, दबा दो दीदी का दुपट्टा पूरा, इतने बड़े लंबे दुपट्टे पहन रखे इसने तो, कि क्या बोलते झाड़ू भी का काम भी कर रहा है यहाँ पे। मैं बना देता हूँ यार। फाइनली दगड़ियों हम मध्य रास्ते पहुँच चुके हैं, और मुझे तो चढ़ाई का अंदाजा पहले से ही था, क्योंकि क्योंकि इससे पहले मैं रुद्रनाथ जा चुका हूँ, और बाकी ये खड्डे फड्डे आ रहे हैं पीछे से, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई छोटे फूटे दोस्तों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, लेकिन माउंट एवरेस्ट वालों ने तो भगा दिया, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। हाँ और आज मैंने पहली बार अपने हाथों की कुर्बानी दी है, वैसे काले तो नहीं हुए गोरे ही हैं, फिल्टर लगा रखे तार, ऐसा कुछ नहीं झूठ बोल रहा है ये। ले ले ढक्कन ढक्कन, ओ देखो मेरी दीदी आ रही है, पापा जी मम्मी जी और जीत जी। यात्रा पे ये ऊपर लगे रखे बुरांस, बारिश में बारिश में रेड रेड बुरांस बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा तो कभी लगा ही नहीं था। सच में कुछ हो रही अनुभूति बहुत अनुभूति। मम्मी तेरे को ऊनी बोल हाँ अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए और मस्त मस्त बलू। ओ देखो अंकल जी बुरांस तोड़ रहे हैं बलू, ये मुझसे फोन मांगने की जरूरत कर रहे हैं, ये मुझसे फोन मांगने की जरूरत कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्यारी सी सुंदर वादियाँ, जिन्हें देखने के लिए लोग हमारे उत्तराखंड में आते हैं, तो चलिए और मजे लीजिए इन प्यारी वादियों का। दोस्तों आगे सामने बहुत ही सुंदर वादी आ गई, चलो। तो ये है, यहाँ पर एकदम फ्रेश हवा चल रही है और आप देख सकते हैं प्यारे से पहाड़। ये है मेरा गोलू, बंदर दीदी बंदर लेटा हुआ पेड़ के ऊपर। गाइस वो देखो हाथ हिला रहा, कार्तिक स्वामी में एक अलग प्रकार का बंदर आ गया है, पेड़ों में चढ़ रहा है, इसने जूते भी पहने हैं।
कह रहा था मेरी फोटो खींचो, हम कोई फोटो नहीं खींच रहे, सब लटका रहे हैं। अबे आते भी खींचेंगे। तो गाइस ये है सामने सुंदर सी वादियाँ और ये है यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बीच बीच में ऐसा बनाए गए हैं। तो वो पेड़ में चढ़ा था, मैंने उसकी पिक नहीं ली, वो चढ़ गया मतलब। अब पीछे से और लौट के आएगा देखना। अब देखो कैसा मुंह खुला जाएगा। जल्दी दे फटाफट पापड़ लो तक। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, आ गए हो पागल। ये आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, सुंदर से यहाँ पे व्यू है। आप आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप ज़रूर आएँ और हमारी उत्तराखंड की सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठाएँ।